में बैठे हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी की डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान के सर में दर्द कर दिया है और पाकिस्तान इस समय पूरे कंफ्यूजन में, क्योंकि पाकिस्तान जो चाहता था उसे वो नहीं मिल पा रहा। अफगानिस्तान में भी वैसे हालात नहीं जिसकी वजह से पाकिस्तान खुश हो, क्योंकि पाकिस्तान ये सोच रहा था तालिबान जल्दी से काबुल के ऊपर कब्जा कर लेगा, उसके बाद पाकिस्तान और चाइना मिलकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और भारत को यहाँ से निकाल देंगे। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अफगानिस्तान आर्मी अच्छी तरीके से लड़ रही तालिबान के साथ और उसके बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, उनका सपना टूटता दिखाई दे रहा है और चारों तरफ से पाकिस्तान गिरता चला जा रहा है। और दूसरी तरफ चाइना भी खुश नहीं है पाकिस्तान से। जिस हिसाब से पाकिस्तान सीपैक की रखवाली कर रहा है वो चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर वहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं और पाकिस्तान आर्मी इतनी सक्षम नहीं है कि उस सीपैक को सुरक्षित कर सके। यही कारण है चाइना नाराज है पाकिस्तान से, और साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तानी NSA से मिलने से मना कर दिया क्योंकि उसके अमेरिका के साथ लिंक है। उन्होंने कहा है कि इसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, इसकी वजह से हम इससे मिलना नहीं चाहते। और इसी के कारण है शाह महमूद कुरैशी गए हैं चाइना, ना कि NSA। इससे पता चलता है पाकिस्तानियों पे कोई भी विश्वास नहीं करता, ना चाइना करता, ना अमेरिका, ना भारत, क्योंकि इमेज ऐसे है कि ये पैसों के लिए बिक जाते हैं, अपने राज किसी ना किसी को दे देंगे अगर इनसे कोई बात करी जाए तो। और इसके अलावा एक बात और, सेक्रेटरी ब्लिंकन भी भारत आ रहे हैं और अफगानिस्तान के आर्मी चीफ भी भारत आ रहे हैं। इसको देखते हुए पाकिस्तान की हवा टाइट हो चुकी है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करें। और आगे जाकर देखते हैं फ्रेंड्स इस रीजन में क्या परिस्थितियां बदलती हैं। जय हिंद, धन्यवाद।